हिंदी विषय, और हिंदी विषय में भी एक कविता, इस कविता के रचयिता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। उन्होंने जो कविता का शीर्षक दिया है उपवन, एक उपवन के हम सब सुमन हैं। सुमन मीन्स फूल, एक ही बगीचे। कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है कि सुमन अर्थात फूल किस चीज़ की सुंदरता को बढ़ाते हैं, क्या क्या आना चाहते हैं, प्रकृति ने क्या क्या दिया है, इसके बारे में कहा है कवि ने कि हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सब, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, हम सब सुमन एक उपवन के, पले हुए हैं झूल झूल कर, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर इस उपवन की शोभा न्यारी, इस उपवन की शोभा न्यारी, एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन। कवि का माध्यम इस कविता के द्वारा यह है बताया है कि हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती से, कि हम जो पुष्प हैं सब एक ही बगीचे के हैं, बेशक चाहे हम रंग बिरंगे हैं, बेशक हमारा रंग अलग अलग है, परंतु हम सब की धरती, एक ही धरती में हमने जन्म लिया है और हम सब एक ही बगीचे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसकी मिट्टी में जन्मे हम, हमारा जो जन्म हुआ है वो एक ही प्रकार की मिट्टी में हुआ है, मिली एक ही धूप हमें, और हमें जो सूर्य के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश धूप जो मिली हुई है, हम सबको एक ही प्रकार की धूप, एक ही प्रकार का प्रकाश मिला हुआ है, सींचे गए एक जल से हम, और हमको तो सींचा गया है, एक ही प्रकार के जल से सींचा गया है, इसके बाद भी हम सब मिल करके इस उपवन की, इस बगीचे की शोभा को बढ़ा रहे हैं, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलों में हम एक पवन के, और हम जो बड़े हुए हैं एक ही हवा के झोंकों से, हम सबको एक ही प्रकार की वायु मिली है, जिसके झोंकों से हम, जिसके पलने में झूल करके बड़े हुए हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब जितने भी पुष्प हैं सब एक ही बगीचे के हैं, इसकी सुंदरता को हम बढ़ा रहे हैं, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, हम अनेक रंग के हैं, कोई लाल रंग का है, कोई पीले रंग का है, कोई सफ़ेद रंग, अनेक अनेक रंग के हैं, और अलग अलग हमारी क्यारी बनी हुई हैं, लेकिन हम सब से मिलकर इस उपवन की शोभा सारी, लेकिन हम सब ने मिलकर के रंग बिरंगे होने के बाद भी हमने इस बगीचे की सुंदरता को बराबर बढ़ाए हुए हैं, या इसकी सुंदरता को बनाए हुए हैं, जो हम सब आपको पसंद आ रहे हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सबका जो रक्षक है, हम सबका जो देखभाल करने वाला है, वो एक ही माली है, और एक ही गगन के नीचे अर्थात एक ही आकाश के नीचे पल करके हम बड़े हुए हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, और हम सब जितने भी पुष्प हैं सब एक ही बगीचे के हैं, जो इस बगीचे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, ये सूरज जो है हम सबका एक ही सूरज है, इसकी किरणें हम सब की, हम सबको खिला रही हैं, जब सूर्य की किरणें पुष्प पर पड़ती हैं तो सब शोभायमान पुष्प खिल जाते हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, और हम सबका चंद्रमा भी एक ही है, जिसकी चांदनी हमको प्रकाश, जिसकी चांदनी का प्रकाश हमको सुंदरता के रूप में ढाल देता है। मिले एक से ईश्वर हमको हैं, वर्णों के मीठे गुंजन के, और हम सब पर एक ही प्रकार के गौरे मंडरा रहे हैं, जिनके स्वरों को हम बार बार सुन करके खिल रहे हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, क्यों कि हम सब एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के पुष्प हैं, जिसकी सुंदरता को बराबर बढ़ाए हुए हैं। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, हम सब ने कांटों में मिलकर के, जो कांटों में भी खिले हुए हैं, हम सब ने मिलकर के हंस हंस करके जीना सीखा, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, सब परेशानियों को झेलते हुए हम सब ने अपने जीवन को हंस हंस करके बिताया है, और एक सूत्र में बनकर, एक माला में बन करके प्रयोग करके हमने सभी के गले का हार बनकर हम सुंदरता को, उसकी गले की सुंदरता को
बढ़ाते हैं, मिलाते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निधन के, सबके लिए, चाहे कोई धनी है चाहे कोई निर्धन है, कितना ही भी धनवान हो, कितना ही भी पैसे वाले, चाहे कितना ही भी गरीब हो, हम सबने हमने बराबर सबको एक जैसी सुगंध दी है, सबकी सुंदरता को बराबर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि हम एक ही बगीचे के पुष्प हैं जिसकी सुंदरता को बराबर बढ़ाए हुए। जय हिंद। शेष बातें कल होंगी। सभी भैया बहन, इस कविता को मैं लिखित रूप में कॉपी में दूंगा, बार बार इसको याद करेंगे, कम से कम 10 लाइन ऑनलाइन काम आएगा कविता का लिखित रूप।